आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एलईडी बल्ब बना के दिखाऊंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, जो कि लाइट तो बिल्कुल सूंघ कर ही चलेगा, कहने मतलब लाइट तो बिल्कुल खाएगा ही नहीं। मैं आपको इसको 100% प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, और जो कभी लाइफ टाइम फिस भी नहीं होगा। जे हमारे पास चाइना का एलईडी बल्ब है जो 20-30 रुपए के आसपास मार्केट में मिलता है, तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। इसमें ये सर्किट है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। हम इसके इस पीएफ और ये कैपेसिटर बेकार है, इसको भी निकाल देंगे। हमने इसके पीएफ वगैरह ये निकाल दिए। अब आप इस प्लेट को देख रहे हैं, इसमें पहली पिन पर जो यहाँ ये टांका लगा हुआ है, ये है एसी का। ये कहने का मतलब जो चार डायोडों का आईसी है, चार डायोडों वाली आईसी जो होती है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगी। जैसे यहाँ 220 वोल्टेज एसी के, तो ये डीसी में 220 वोल्टेज आ जाएंगे यहाँ। और इसमें दूसरा एसी का जे पॉइंट है। कहने का मतलब इसमें पहले से ये तार जहाँ लगे हुए थे, ये इस तरीका से, एक तो इस पर और एक इस पर, मतलब एल जे बन रहा है और न्यूटन का जे, मतलब लाइन का जे और न्यूटन का जे, ये पहले से ही लगे हुए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा ये इस तरीका से आगे यहाँ निकल के आ रहे हैं। एक ये यहाँ आ गया इस पर आईसी पर। आप इसमें ये जो निशान है इसको देख रहे हैं, ये पीएफ का निशान है। यहाँ ये पीएफ जो लगा हुआ था, हमने जो पीएफ निकाला था, इसकी जगह पर हम दो रेजिस्टेंस लगा देंगे इतने बीच में, पीएफ की जगह पर 100 के। अब इस सर्किट में एक तार यहाँ से एसी का हम लगाएंगे तो यहाँ इसकी पहली पिन पर आ जाएगा, और दूसरा हमारा यहाँ लगेगा, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस से होकर के यहाँ, और फिर इसकी इस पिन पर आ जाएगा रेजिस्टेंस के सीधे से, तो प्लस माइनस के यहाँ लग जाएंगे दोनों, मतलब एसी के और यहाँ डीसी निकल आएंगे, प्लस और माइनस 250 वोल्टेज। अब इसमें हम एसी के तार लगा के देखते हैं। ये पहला वायर हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, दूसरा यहाँ, मतलब ये यहाँ एसी पर जो पीछे दिख रहे हैं आप, हमने अब इसमें एसी के तार लगा दिए, और जहाँ हम देखते हैं इस आईसी पर डीसी के 150 वोल्टेज के समथिंग निकल रहे हैं, और यहाँ देखो, यहाँ मीटर दिखा रहा है माइनस 140 वोल्टेज करीब, तो हम मीटर की पिन पलट देंगे। अब दिखाएगा ये 140, मतलब ये 12 पॉइंट प्लस का, ये माइनस का है, जहाँ से इसमें सीरीज बन के जाता है एलईडी का,
और यहाँ कहीं चेक करेंगे यहाँ कहीं वोल्टेज नहीं आएंगे क्योंकि सीरज है इसमें। इस पर हमने माइनस और प्लस लिख दिए, हम रेड एलईडी लेंगे 9 और इसमें कितनी भी लगा सकते हैं, 9, 10, 20, 25, 30 जितनी एलईडी का हो उतनी लगा सकते हैं। हम सभी एलईडी को इस तरीके से मोड़ के इनकी पिनों को काट लेंगे यहाँ से। इस एलईडी में आप देख रहे हैं जे साइड जो दिख रही है छोटी अंदर एलईडी में जे प्लस की है, और जो बड़ी साइड जो है कटी हुई बड़ी बड़ी ये माइनस की है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। इस प्लेट पर हमने जो निशान लगाया था ये प्लस का है और जिस साइड माइनस का, तो इस एलईडी को इस साइड पर ये छोटी वाली साइड जो है ये प्लस की है और ये वाली माइनस की है, तो यहाँ पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर। इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे दूसरी एलईडी भी हम। हमने ये एलईडी दूसरी लगाई, इसमें सब में हमें ये प्लस साइड जो है इधर की साइड रखनी है, सभी एलईडी प्लस साइड इधर की माइनस की उधर की, देख में इनका सीरीज बन जाएगा एक। हमें जो एलईडी जो लगानी है इस एलईडी की प्लस इस साइड को, इस एलईडी की प्लस इस साइड को, इस एलईडी की प्लस इस साइड को, मतलब सभी एलईडी की प्लस एक साइड रहनी है। जैसे प्लस फिर ये माइनस का, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, एक सीरीज बन जाएगा। अब इन्हें हम इस तरीके से मोड़ के सीधी कर लेंगे। अब इसमें हम एसी के तार दोनों कनेक्ट कर देंगे। अगर आप नए बल्ब में ऐसे चाणक्य में 0 वाट का बल्ब बनाना चाहते हैं तो इस पीएफ को निकाल के केवल 100 के रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें और रेड या ग्रीन जैसी एलईडी कलर पसंद है वो लगा दें आप। अब इसे इसमें कस देते हैं।
जल्दी तो पता चला अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है आपको इसके डायग्राम से कहीं से कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के अपना जवाब लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना।